नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ये जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है, इनके द्वारा जो हाल ही में एसटेट का एग्ज़ाम लिया जाना है, तो उसी को लेकर जो यहाँ पर बहुत सारे नोटिस जारी हुए हैं। और अगर आप इन सभी सभी नोटिस को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस समय हम ये जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है, इनकी मेन जो वेबसाइट है, हम इस पर हैं। और इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप जो इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं। और जैसे ही आप इनकी वेबसाइट पर आओगे तो आपने नीचे की तरफ आना है, और जहाँ पर आपको ये सभी सभी जो नोटिस है वो दिखाई देंगे। और ये देख सकते हैं, यहाँ पर पहला नोटिस है एरर को लेकर, फोटो एंड सिग्नेचर ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ एसटेट 2022। उसके बाद जो दूसरा नोटिस है, कैंडिडेट लिस्ट ऑफ फोटोज एंड सिग्नेचर एरर इन एसटेट 2022 रजिस्ट्रेशन। तीसरा है यहाँ पर एसटेट 2022 डुप्लीकेसी लिस्ट ऑफ 243 कैंडिडेट्स। और तीसरा है यहाँ पर रिगार्डिंग एसटेट 2022 डुप्लीकेशन फॉरम। और उसके बाद है नेक्स्ट नोटिस यहाँ पर अंडरटेकिंग फॉर एसटेट 2022 डुप्लीकेशन फॉर्म। तो यही जो है हाल ही में जो नोटिस जारी हुए हैं, तो इनको अब हम देख लेते हैं। पहले यहाँ पर जो फोटो एरर को लेकर जो नोटिस आया है वो हम देख लेते हैं। और ये जो नोटिस है हमारा यहाँ पर आ चुका है, ये देख सकते हैं, प्रेस नोट है, हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022। सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 हेतु जिन अभ्यर्थियों की फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठे के निशान, स्पष्ट रंगीन और तय मानक अनुसार नहीं पाए गए हैं, ऐसे अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की वेबसाइट, ये वाली वेबसाइट जिस पर हम इस समय हैं, पर उपलब्ध है। ये अभ्यर्थी बोर्ड वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से दिनांक 11/11/2022 से 15/11/2022 तक तय मानक अनुसार अपनी रंगीन फोटो, स्पष्ट हस्ताक्षर, अंगूठे के निशान अपलोड करें, अन्यथा आपका प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। तो ये यहाँ पर नोटिस है। और अब जो दूसरा जो नोटिस है वो भी हम देख लेते हैं, और ये है यहाँ पर एरर वाला। और ये जो है यहाँ पर एक लिस्ट है, तो ये लिस्ट है आपकी, देख सकते हैं यहाँ पर सुर में यहाँ पर स्टूडेंट जो रजिस्ट्रेशन जो है वो दिया गया है। उसके बाद नाम है यहाँ पर, फेस आप जिसके लिए भी अप्लाई किया होगा, यहाँ पर फेस वन ही इसमें दिखाया गया है, स्टेटस, फोटो आईडी वन आईडी, सिग्नेचर स्टेटस टू, और थंबनेल। तो जिसका भी जो कुछ होगा इसमें वो आप जा देख सकते हैं। और ये लिस्ट है यहाँ पर, तो जिसके जो भी फोटो, साइन, सिग्नेचर वगैरह, और ये थंबनेल जो होता है अंगूठे का निशान, तो जिसकी जो भी कमी है वो आप जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये लिस्ट जो है इसमें जारी हुई है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कितने ऐसे कैंडिडेट हैं। तो लिस्ट में आप अपना नाम, ये रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है ज़रूर चेक कर लें, नहीं तो फिर जो आपको बाद में दिक्कत आ सकती है। तो ये यहाँ पर लिस्ट है।
और ये थी कैंडिडेट लिस्ट ऑफ फोटो एंड सिग्नेचर एरर इन एस्टेट 2022 रजिस्ट्रेशन में। उसके बाद जो यहाँ पर जो नेक्स्ट जो नोटिस है ये डुप्लीकेसी लिस्ट ऑफ 243 कैंडिडेट वो दिखाई गई है। और ये है डुप्लीकेसी को लेकर 243 कैंडिडेट है, इन्हें पहले भी कहा गया था कि दो दो फार्म जहाँ भरे हुए हैं तो उसी को लेकर फिर दोबारा से जारी हुआ है, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। और शुरू में जहाँ डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, उसके बाद रोल नंबर और कैंडिडेट का नाम है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर है, और उसके बाद लेवल आ जाता है कौन से लेवल के लिए अप्लाई किया हुआ है, और ये सब्जेक्ट है जो भी सब्जेक्ट आपका अप्लाई किया हुआ है। और उसके बाद आपने आइडेंटिटी जहाँ यहाँ पर ये आधार कार्ड वगैरह जो भी भरा हुआ है, और रिमार्क्स ये आधार कार्ड दिया गया है तो ये आधार कार्ड के उस पर है। उसके बाद मोबाइल नंबर है ये 784, ये दोनों जो है एक ही है, तो वही कैंडिडेट जो लिस्ट यहाँ पर जारी हुई है। तो इस लिस्ट में भी आप अपना जो ये नाम रोल नंबर जो है वो चेक कर सकते हैं जो भी ये कैंडिडेट हैं। तो 243 यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट हैं, और ये है यहाँ पर एस्टेट 2022 डुप्लीकेसी लिस्ट। तो ये डुप्लीकेसी लिस्ट है जिसने दो दो फार्म भरे हुए होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट जो नोटिस है ये एस्टेट 2022 डुप्लीकेशन फॉर्म को लेकर आया है, और ये प्रेस नोट है यहाँ पर हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022। और यहाँ पर भी संबंधित सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 है तो जिन अभ्यर्थियों के द्वारा एक से अधिक बार आवेदन करने बारे अपनी इस त्रुटि का समाधान नहीं करवाया गया है, उन अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट ये वाली वेबसाइट पर उपलब्ध है जो हमने अब देखी थी। तो ऐसे अभ्यर्थियों का अंतिम अवसर यहाँ पर दिया जाता है कि वे बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध शपथ पत्र अंडरटेकिंग भरकर, कन्फर्मेशन पेज, आधार कार्ड, आवेदन के समय अपलोड किया गया पहचान पत्र व मैट्रिक सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की प्रति सहित दिनांक 14/11/2022 व 15/11/2022 को बोर्ड मुख्यालय भिवानी के कमरा नंबर 28 में व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होकर अपने एक से अधिक बार आवेदन करने संबंधित त्रुटि का समाधान करवाएं, अन्यथा आपका प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। तो यहाँ पर जो ये डॉक्यूमेंट जो आपने पहुँचाने हैं ये स्वयं पहुँचाने हैं, न कि ऑनलाइन करने हैं और न ही किसी डाक के माध्यम से। तो यहाँ पर ये व्यक्तिगत ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से कहा गया है आपने स्वयं ही जमा कराने होंगे कमरा नंबर 28 में, और कहाँ पर जो भिवानी बोर्ड है वहाँ पर। डेट ये आप देख सकते हैं 14/11 से लेकर 15/11, तो 14 और 15 ये दो दिन का जो यहाँ पर समय है वो दिया गया है। उसके बाद अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आपका जो यहाँ पर रोल नंबर है वो जारी नहीं किया जाएगा। तो इनकी लिस्ट ये पहले हमने जो यहाँ पर देखी थी 243 ये कैंडिडेट थे। उसके बाद जो यहाँ पर ये आ जाता है आपका अंडरटेकिंग वाला, तो ये अंडरटेकिंग फॉर्म है यहाँ पर, ये है अंडरटेकिंग फॉर्म, ये आप जिसके भी दो दो फॉर्म भरे हुए हैं वो भरना है। इसने प्रमाणित किया जाता है कि मैं जिसका भी नाम है परीक्षार्थी का नाम और सुपुत्र सुपुत्री पिता का नाम निवास जहाँ भी आके रहने वाले हैं, निम्नानुसार अपनी स्थिति स्पष्ट करता हूँ करती हूँ कि मैंने अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 हेतु लेवल जो भी आपका है उसके लिए एक से अधिक आवेदन किए हैं जो भी आपने भरा होगा 1, 2, 3 में से, और जिसकी रजिस्ट्रेशन संख्या यहाँ पर डालनी है वह इतनी है। मैं लेवल जो भी आपने है भरा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन संख्या के तहत खालिस्तान विषय की परीक्षा देना चाहता हूँ, तो इनमें से जो जिसकी भी आपने देनी होगी वो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर फिल करना होगा, और ये विषय आ जाएगा जो भी सब्जेक्ट आपका यहाँ पर लेवल 2-3 में से जो भी आप परीक्षा देना चाहते हैं, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन उसी का ही, और ये विषय जो भी सब्जेक्ट आपका देना चाहती हूँ मेरे से आवेदन रजिस्ट्रेशन कर दिए जाएँ। तो यहाँ पर वो आपने भरना है जिसकी आप परीक्षा देना चाहते हैं, या आप ज़्यादा जानकारी के लिए से अपने साथ ऐसे ही भर के ले जाएं और उनसे पूछ कर जा वहीं पर भर लें ताकि फिर दिक्कत ना आए।
मैं शेष रद्द किया गया आवेदन रजिस्ट्रेशन की फीस वापसी का कोई दावा नहीं करूंगा या करूंगी। मेरे द्वारा किए गए आवेदन के कन्फर्मेशन पेज आवेदन में दर्शाई गई आइडेंटिटी की प्रति संलग्न है। प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा उपयोग किए गए अंडरटेकिंग सत्य है और इसमें कुछ भी नहीं छुपाया गया है। उसके बाद अभ्यर्थी का हस्ताक्षर पता डेट वगैरह ये आ जाएगा यहाँ पर। तो ये अंडरटेकिंग है, जिसने दो दो फॉर्म भरे हुए हैं वो अपना जो भी आपसे मांगे गए यहाँ पर कन्फर्मेशन पेज और जो भी आपने आधार कार्ड वगैरह जो लगाया था वो, तो उससे सारी सारी डिटेल जो आए अपने इनके पेज प्रिंट निकल निकलवा कर भिवानी बोर्ड जाए वहाँ पर जमा कराने हैं। और डेट जो यहाँ पर दिखाई गई थी 14 और 15 तारीख की, ये दो दिन हैं आपके पास कमरा नंबर 28 भिवानी में, नहीं तो फिर आपका जो रोल नंबर वो नहीं आएगा। तो यही जो हाल ही में महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।